70 के दशक की स्टाइल दीवा जिनके हेयर और ड्रेसिंग स्टाइल को आज भी किया जाता है कॉपी। बेहद खूबसूरत और बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाली इस एक्ट्रेस का कैसे हुआ दर्द भरा अंत, जिंदगी के आखिरी दिन तन्हा और कोर्ट कचहरी के चक्कर काट कर गुजारे। ये थी 70 के दशक की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा साधना। साधना ने लव इन शिमला फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इसके बाद साधना ने आरजू, मेरे महबूब, मेरा साया जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने डायरेक्टर आरके नैयर के साथ शादी की थी, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें कोई औलाद नहीं थी। 1995 में अचानक आरके नैयर का निधन हो गया। उसके बाद उन पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल जिस घर में वो किराए पर रहती थी वो आशा भोसले का था। आशा भोसले उस बंगले को बेचना चाहती थी। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आशा भोसले ने उन पर मुकदमा कर दिया, जिस वजह से साधना को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। साधना थायराइड की प्रॉब्लम से जूझ रही थी और वो बेहद बीमार रहने लगी थी। बीमारी, बुढ़ापा और अकेलेपन से साधना हार चुकी थी और 2015 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।